नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार देखो। सिंपल क्वेश्चन है ये, कंस्ट्रेंट पे बेस्ड है, ठीक है। यहां पे एफबीडी ए ब्लॉक का बनाते हैं, ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक ए का एफबीडी बनाएंगे तो यहां पे टेंशन कितना आएगा, यहां पे टेंशन टी आएगा, ये तो आपके पास कितना हो जाएगा 4g हो जाएगा, और इसका एसोसिएशन कितना मान लेते हैं हम लोग, इसका एसोसिएशन ए मान लेते हैं अपवर्ड। यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 4g इक्वल टू 4a, दैट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। देखो इसमें इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। एफबीडी ऑफ ब्लॉक 4 5kg, 5kg का एफबीडी बनाएंगे इस ब्लॉक पे, यहां t लग रहा है, यहां पे टी आएगा, यहां पे टी आएगा, मतलब इसमें कितना आ जाएगा, ये 2t हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 5g हो जाएगा, और इसको हमने ऊपर माना है, सपोज इसको डाउनवर्ड मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एसोसिएशन अलग होगा क्योंकि कंस्टेंट मोशन लग रहा है। तो यहां पे सेकेंड जो इक्वेशन बनेगी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास कितना, 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a1, ये दो इक्वेशन बन गई, ए और ए1 अलग अलग है, कंस्टेंट मोशन लगाएंगे तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी कितना, टी इंटू ए, यहां पे बनेगा माइनस 2t इंटू a1 इक्वल टू 0, तो तीसरा इक्वेशन हो जाएगा a माइनस 2a1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई है, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ कंस्टेंट मोशन लगाया है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा है।